अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बिलासपुर घुमारवी झंडुता के कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए सांकेतिक भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। विद्यार्थी परिषद द्वारा 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है। विद्यार्थी परिषद द्वारा ने बताया कि प्रदेश स्तरीय सांकेतिक भूख हड़ताल की जा रही है जो 26 तारीख से 27 तारीख तक रहेगी। ये भूख हड़ताल प्रदेश स्तरीय तथा स्थानीय मांगों को लेकर की जा रही है। मांगों के संदर्भ में बताते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद की प्रमुख स्थानीय मांगे कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं। परीक्षा परिणामों में अनियमितताओं को दूर कर परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए जाएं। क्लस्टर विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। इसी सत्र से कक्षाएं शुरू की जाएं और विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। प्रदेश विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों के रिक्त पदों का तुरंत भरा जाए और महाविद्यालयों के आधारभूत ढांचों को सुदृढ़ किया जाए। बागवानी विश्वविद्यालय नौणी और कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में छात्रों से ली जा रही अत्यधिक फीस वृद्धि को कम किया जाए। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में सेल्फ फाइनेंसिंग के नाम पर ली जा रही भारी फीस वसूलना बंद की जाए और प्रदेश सरकार विश्वविद्यालय के लिए बजट का उचित प्रावधान करे। निजी विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में व्यापक भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त फीस वसूली पर लगाम लगाई जाए। भ्रष्टाचार से संतुलित निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग के चेयरमैन के कटोच को तुरंत प्रभाव से प्रकाशित किया जाए। प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर नकेल कसी जाए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद पूर्व में स्थानीय मांगों के संदर्भ में प्रधानाचार्य को ज्ञापनों के माध्यम से सूचित कर चुका है, परंतु अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। वहीं प्रदेश स्तरीय मांगों के संदर्भ में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को प्रधानाचार्य के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। यदि जल्दी ही विद्यार्थी परिषद की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये छोटी सी भूख हड़ताल बड़े आंदोलन का रूप ले लेगी, जिसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की होगी। बिलासपुर सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल बिलासपुर में अध्ययनरत छात्राओं के अभिभावक स्कूल के नए प्रिंसिपल के खिलाफ लामबद्ध हो गए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल के नए मुखिया का आचरण ठीक नहीं है, जिसके खिलाफ सोमवार सुबह के समय ही SMC सहित अभिभावकों ने स्कूल के गेट के बाहर प्रधानाचार्य के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं उक्त घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। SMC प्रधान ओम प्रकाश गर्ग ने बताया कि उक्त घटना के बारे उच्च शिक्षा उपनिदेशक अमर सिंह ठाकुर को भी बुलाया गया, जिसके बाद सभी सरकारी अमला मौके पर पहुंचे तो स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही हरकतों के बारे में उन्हें बताया गया। वहीं उच्च शिक्षा उपनिदेशक ने बताया कि स्कूल प्रधानाचार्य सुरेंद्र पाल चड्डा की शिकायत पहले भी शिमला निदेशालय पहुंची हुई है, जिसके चलते 20 अगस्त को निदेशालय से प्रधानाचार्य का तबादला डुमेर तहसील अर्की जिला सोलन के लिए कर दिया है, लेकिन वह प्रधानाचार्य तबादला होने के बावजूद नहीं जा रहा था, जिसके चलते सोमवार सुबह प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में प्रधानाचार्य कक्ष की उनसे चाबी ली गई और यहां पर आए प्रधानाचार्य राकेश भारद्वाज को कार्यभार सौंपा गया। गर्ल्स स्कूल के SMC अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कहा गया कि स्कूल में कुछ दिन पहले ट्रांसफर करके भेजे गए नए प्रिंसिपल का विवादों से पुराना नाता है। अप्रैल 2002 में स्कूल शिक्षा बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान बिलासपुर गर्ल्स स्कूल की ही 3 छात्राओं ने उन पर आपत्तिजनक व्यवहार और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। छात्राओं की शिकायत पर सदर थाना FIR भी दर्ज हुई थी। उसके बाद कई अन्य स्कूलों में सेवा काल के दौरान भी उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं, इसी वजह से उन्हें प्रिंसिपल पद पर पदोन्नति भी देरी से मिल पाई। बैठक में कहा गया कि अपने आचरण और व्यवहार के चलते अक्सर विवादों से घिरे रहने वाले शिक्षक को गर्ल्स स्कूल में प्रिंसिपल बनाकर भेजना निंदनीय है। हाल ही में
ऊना जिले के एक स्कूल में छात्राओं से ज्यादती का मामला सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम चला रहे हैं, लेकिन भय और आशंका की वजह से कई छात्राएं तो स्कूल आने से मना कर रही हैं। इससे अभिभावकों का अपनी बेटियों को लेकर चिंतित होना स्वाभाविक है, लिहाजा प्रिंसिपल को प्लसपुर गर्ल्स स्कूल से तुरंत ट्रांसफर किया जाए। ऐसा न होने की स्थिति में अभिभावकों के समक्ष स्कूल पर ताला लगाने अथवा अपनी बेटियों को दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए सिवा कोई चारा नहीं होगा। जो हमारे विभाग के उपनिदेशक शिक्षा हैं, उन्होंने उनसे हमें दिलवाया, वो मिल चुका है। आइंदा के लिए जो भी विभाग के आदेश होंगे उनका पालन करें। सर, बताया जा रहा है कि यहाँ की चाबियाँ वगैरह भी उन्हीं के पास हैं, क्या वो चाबियाँ दे गए हैं या उन्हीं के पास हैं? अलमीरा की चाबियाँ उनके पास ही, अभी मुझे हैंडओवर नहीं की उन्होंने। मैंने रिक्वेस्ट की उनसे कि वो चाबियाँ भी दे दें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा अपना उसमें कुछ व्यक्तिगत सामान है, तो उसके बाद ही मैं दे पाऊँ।